द रेवन्यू पटवार यूनियन पंजाब दे सद्दे ते पंजाब भर च पटवारियों वल्लों अपनियां मंगां नूं लै के पंजाब सरकार दे खिलाफ रोस धरने लगाए गए। राजपुरा विखे भी पटवारियों ने सूबा सरकार दे खिलाफ जम के नारेबाजी की। यूनियन दे सूबा प्रधान मोहन सिंह भेड़पुरा का कहना है कि जदों तक सरकार साडियां मंगां नहीं मानती उदों तक संघर्ष जारी रहेगा। धरना जी सानूं अज समुचे पंजाब दे अंदर अज तहसील हैडक्वार्टर दे जिहड़े धरने आ वो दिते जा रहे हैं 11 to 2 तक पटवारियों वालों कि साडियां मंगां सी जिहड़ियां 27-8 नूं FCR पंजाब दे नाल साडी मीटिंग हुई सी, मंगां साडियां मान लीआं गईआं सीगीआं और असीं मुख्यमंत्री साहब नूं भी मिल चुके हैं ते माल मंत्री साहब नूं भी मिल चुके हैं। पंजाब दे अंदर 4716 पोस्टां ने कुल पटवारियों दीआं, जिन्हां विचों 2200 पोस्ट खाली आ, जदकि मंत्री साहब का भी बयान लग चुके पटवारी भर्ती करन जा रहे हैं 1300 ते CM साहब का भी। पर पंजाब सरकार ने पटवारी भर्ती करने की बजाय रिटायर्ड पटवारी ते कानूनों मूल ठेके से भर्ती करने की डिप्टी कमिश्नरों चिट्ठी जारी करती, जिहदी कि रेवन्यू पटवार यूनियन पंजाब विरोध करती है। जदों तक भर्ती का इश्तहार जिहड़ा जारी नहीं किया जाता साडा संघर्ष जारी रहेगा। और पंजाब के अंदर अंदर एक पटवारी इको एक इहो जिहा मुलाजम है जिहदा प्रोबेशन पीरियड 5 साल है, बाकी पंजाब के समुचे मुलाजमान का प्रोबेशन पीरियड 3 साल है, जदों कि साढ़े अपने महकमे के अंदर तहसीलदार की ट्रेनिंग तो वह प्रवेशन पीरियड शुरू हो जाता है पर साडे पटवारियों का नहीं हुंदा। साडी मंग यही है भी पटवारियों का प्रवेशन पीरियड जिहड़ा उह ट्रेनिंग तो ही शुरू किया जाए और 3 साल तो घटा के 2 साल किया जाए, जदों के पंजाब के अंदर जज साहबान नूं ते डॉक्टर साहबान नूं पूरी तनखाह दिती जा रही है और साडे पटवारियों नूं सिर्फ 10,000 रुपये दिता जा रहा कि जो कि उन्हां नाल कुझा मजाक है। और जदों के सरकार की असीं ड्यूटी करन जाने जिवें कि असीं हाईकोर्ट रिकॉर्ड लेके जा रहे हैं जां माल अफसर सीनियर माल अफसरों को लेके जाने सानूं टोल प्लाजा देना पैंदा। कई तां हुण जिवें नवें पटवारी फाजिलका तो चलदे आ, अगर वह हाईकोर्ट तक पहुँचदा 1,000 रुपया उन्हों का टोल प्लाजा ही पै जाता। साडी मंग है भी पटवारियों को जो टोल प्लाजे तो छूट दी जाए और जिवें कि साडे पुलिस पटवारी घट होण करके कलैरिकल मिसटेक हो रही ने, पुलिस जिहड़ी सीधे परचे दर्ज कर दिंदी आ रिविजिलेंस। साडी डिमांड यही है भी साढ़े महकमे की डिपार्टमेंट इनकुआरी तो बिना किसी भी पटवारी के खिलाफ कोई परचा जिहड़ा दर्ज ना किया जाए। सर जी अगर नहीं थोड़ी सरकार गल मानती फिर की करूंगे? असी जी फिर 11 तरीक न जिला हैडक्वार्टर से मुड़ धरने रख दते ने और जदों के 4 जिले के धरने जिवें कि लुधियाणा का धरना मुल्लांपुर दाखा विखे लगेगा और कपूरथला का फगवाड़ा विखे, हुशियारपुर का मुकेरियाँ और फाजिलका का जलालाबाद लगेगा और असी 4 जगह पर पंजाब दी रैलियां भी करन जा रहे हैं। 12 अक्तूबर जलालाबाद, 15 मकेरियां फगवाड़ा, 17 मकेरियां, 19 तरीक नूं साडी जिहड़ी रैली रखी गई है वह मुल्लांपुर दाखा विखे रखी। जिला पटियाला के प्रधान गुरमुख सिंह खैरपुरी ने भी मंगा ना मनन ते संघर्ष तेज करन दी गल आखी है। सर जी अज धरना क्यों दिता गया? मैं गुरमुख सिंह प्रधान ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਚ 1/1/1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31/12/1995 ਤੱਕ ਜੋ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਸਾਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 1365-2410 ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ 1 ਸਾਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ 'ਚ। ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਸ਼ਨਲ ਪੇਰੀਅਡ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿਸ਼ਨਲ ਪੇਰੀਅਡ 'ਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 7 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਕਨਗੋ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਬਾਕੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।